हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राइजिंग गेम और एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइज, आज इस वीडियो में हम लोग UMP के टॉप 4 हेडशॉट ट्रिक सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ कंफर्म करो कि तुम लोग शॉर्ट गन ज़्यादा यूज करते हो या फिर SMG वाले गन्स। उस हिसाब से मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो मुझे कमेंट में बताना तुम लोग कौन सा गन ज़्यादा यूज करते हो, शॉर्ट गन या फिर MP40 वगैरह। लेकिन आज हम लोग सिर्फ UMP के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि UMP के बेस्ट हेडशॉट ट्रिक अगर तुम सीख जाते हो ना, तो कस्टम में तुम लोग कहर मचा दो। फ्री फायर के अंदर हेडशॉट मारने के लिए ना रोटेशन ड्रैग सीखना कितना जरूरी है ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो, क्योंकि हमने एकदम बढ़िया सा वीडियो बना रखा है बिल्कुल हैंड कैम के साथ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पे जाके आप लोग रोटेशन ड्रैग बहुत ईजिली सीख सकते हो, क्योंकि आज जो भी ट्रिक हम लोग बात करने वाले हैं उसके लिए रोटेशन ड्रैग सीखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। ओके, देन चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले फटाफट से हमारा लाइक टारगेट को कंप्लीट कर देना, जो कि 444 लाइक का टारगेट है और एकदम हैकर वाला टारगेट, तो जल्दी से कंप्लीट करवा देना। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, UMP का ट्रिक नंबर 1 से बात करते हैं। सो ट्रिक नंबर 1 में हम लोग बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ सीखने वाले हैं, जो कि बड़े बड़े लेजेंड भी यूज करते हैं बहुत ही बढ़िया हेडशॉट मारने के लिए, और इसे यूज करके ना रिकॉइल को काफ़ी ज़्यादा तुम लोग कंट्रोल कर सकते हो, और रिकॉइल अगर तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा ना तो हेडशॉट तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इस ट्रिक में क्या होता है कि जब तुम फायर करते हो हेडशॉट मारने के लिए, अगर तुम्हारा हेडशॉट नहीं भी लगता है ना, उस टाइम पे तुम लोग काफ़ी देर तक फायर करते रह जाते हो, जिस वजह से तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुलेट रिकॉइल हो जाता है। और यहाँ पे लेजेंड प्लेयर्स क्या करते हैं कि सिर्फ 2 से 3 बुलेट फायर करते हैं और उनका हेडशॉट लग जाता है, फिर वो वॉल लगा लेते हैं। लेकिन हमारा तो हेडशॉट नहीं लगता, हम लोगों ने ट्राई करके देख लिया है, तो हम लोग भी क्या उसी ट्रिक को यूज़ करें या फिर क्या करें हम लोग? तो तुम्हें भी सेम ट्रिक को यूज करना है और सिर्फ 2 से 3 बुलेट फायर करना है, लेकिन एक्चुअल मैच में नहीं, जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो ना उस टाइम पे यूज करना है। ट्रेनिंग मोड पे यूज करो या फिर इसी एडम के साथ प्रैक्टिस करते टाइम यूज करो, जब तुम प्रैक्टिस में अच्छे हो जाओगे ना उसके बाद जाकर तुम एक्चुअल मैच में इसे यूज कर सकते हो। इस ट्रिक का यूज करके तुम लोग बहुत ही बढ़िया रेड नंबर वाले हेडशॉट मार सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ओके, देन सेकेंड वाले टिप में आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे स्कोप इन वाला हेडशॉट है, जो कि काफ़ी दिनों पहले आया था और अभी भी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। UMP के साथ हो गया या फिर XM8 के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से तुम लोग ऐसे स्कोप इन करके हेडशॉट मार सकते हो। तो इस ट्रिक को यूज करने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा अपना स्कोप वाला बटन, जंप बटन और फायर बटन। बस तुम्हें एम को साइड में रखो या फिर एनिमी के ऊपर भी रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस स्कोप इन करो एनिमी के ऊपर, जंप करो और सही टाइम पर फायर करना है। अगर यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना तो तुम्हारा बॉडी शॉट लगेगा। स्कोप इन करके जंप करने के बाद हल्का सा तुम्हें वेट करना है, जब तुम्हारा एम एनिमी के हेड के लेवल की तरफ पहुँच जाए ना उस टाइम पे तुम्हें फायर करना है। उससे पहले करोगे तो बॉडी शॉट लगेगा और उसके बाद करोगे तो रिकॉइल हो जाएगा। तो एकदम सही टाइम पे तुम्हें फायर करना पड़ेगा ओनली रेड नंबर वाले हेडशॉट मारने के लिए। और ये वाला ट्रिक ना शॉर्ट रेंज हो या लॉन्ग रेंज, दोनों रेंज में बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं खुद बहुत बार इसे यूज कर चुका हूँ और इसे तुम यूज करके काफी बढ़िया हेडशॉट मार सकते हो। ओके गाइस, 2 ट्रिक हमारे हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक की ओर। और थर्ड वाला ट्रिक भी बिल्कुल सेम है स्कोप इन वाला हेडशॉट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है और इस ट्रिक को यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे स्कोप इन करना है और स्कोप आउट कर लेना है, फिर जाकर जंप करके तुम्हें फायर करना है। देखो कुछ इस तरीके से तुम्हें इस ट्रिक को यूज करना है। तुम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा व्हाइट 444 इस ट्रिक को दिखाते हुए, और बहुत ही बढ़िया हेडशॉट लगता है। तो बस तुम्हें स्कोप इन करना है और आउट करना है और फिर जंप करके हेडशॉट मारना है। जितना कहने में आसान लगता है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे कस्टम एचयूडी इस ट्रिक को साथ ना दे। ये जो ट्रिक है गाइस, ये मिड रेंज में काफ़ी बढ़िया काम करता है, लेकिन इस ट्रिक में एक ही दिक्कत है कि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, यानी तुम स्कोप इन करोगे, आउट करोगे, जंप करके फिर मारने तक ना एनिमी तुमको शायद मार दे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिक है, और चाहो तो यूज कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते। एंड अब बात करते हैं हमारे लास्ट ट्रिक, जो कि कस्टम में तुम्हें बना सकता है एकदम किंग, क्योंकि इस ट्रिक को यूज करके तुम लोग कस्टम में पूरा स्क्वाड को ख़त्म कर सकते हो। इस वाले ट्रिक को ना व्हाइट एफएफ को करते हुए तुम लोगों ने कई बार देखा होगा, लेकिन इसे तुम लोग कैसे कर सकते हो आज अच्छे से सिखा देते हैं। तो अगर तुम कस्टम खेल रहे हो और तुम्हारे सामने एकदम से पूरा स्क्वाड आ गया या फिर वॉल के अंदर फंस चुके हो 2-3 एनिमी के साथ, उस जगह पे इसे यूज कर सकते हो। तो करना क्या है कि बस तुम्हें स्कोप इन करना है, लेकिन स्कोप इन जो करोगे ना वो एनिमी से थोड़ा सा साइड में करना है, एनिमी के ऊपर नहीं करना है, साइड में करना है। एंड जब तुम स्कोप इन करोगे ना, और तुम्हारा जो एम है वो तुम्हारे हेड के हिसाब से रहना चाहिए, यानी हेड के लेवल पे होना चाहिए, और उसी टाइम पे तुम्हें लेफ्ट वाले फायर बटन को यूज करना है और राइट से स्कोप को एनिमी की तरफ खींचना है। तो ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा एकदम रेड नंबर वाले हेडशॉट लगेंगे, पूरा जाएगा एनिमी के हेड पे चिपक जाएगा। कस्टम फाइट में अगर तुम वॉल के बीच में फंस जाते हो एनिमी के साथ ना, तो ये वाला ट्रिक को जरूर से यूज करना, तुम्हारा बहुत बढ़िया हेडशॉट लगेंगे। तो गाइज, ये थे UMP के टॉप 4 हेडशॉट ट्रिक। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया था तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आगे भी देख सको।
और एक और चीज़, अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो बना सकते हैं तो मुझे कमेंट पे जरूर से बताना। इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे भी आके बता सकते हो। मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।